मैंने जो देखा उसे सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा, आई अब भी तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या हुआ, दर्श की हिचकियां बंद हो गई कि नहीं? अब सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी थी, तो मैंने कुछ गिराया होगा। विभा, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, जब दक्ष तीखा खा लेता है तो उसे हिचकियां आती है, और उन्हें रोकने का सिर्फ एक तरीका होता है कि उसे अचानक कुछ गिराकर चौंका देना। मैं तुमसे कह रही हूँ ना दक्ष, आई आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है, आज भी तुम्हारे लिए उतनी परेशान होती है जितना पहले होती थी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन यही सच है। अगर ऐसा ना होता तो आई तुम्हारी इचके की आवाज सुन के इतनी जल्दी वहां पे नहीं आती, और ना ही ग्लास टेबल के नीचे गिराती, जिससे तुम्हारी इचकियां दूर हो गई। देखा, तुम्हारी लस्सी में लाल मिर्च डालने का आइडिया आखिर काम ही आ गया। क्या कहा? क्या हुआ? जी कुछ नहीं। पानी गर्म हुआ कि नहीं? जी जी हो गया। तो फिर इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? जल्दी करो। रोहिणी, देखो बेटा, बिल्कुल गर्मी नहीं है, धूप भी अच्छी खिली है, ऐसी धूप बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। मेरी बात मान बेटा, अथर्व को थोड़ी देर के लिए बाहर ले आ धूप में। नहीं आई, बिल्कुल नहीं। आया ने मुझसे ये कहा है कि अथर्व को धूप से बचा कर रखे, और मैं अथर्व के मामले में रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती, खासकर उन बातों पर जिसे आया ने लिस्ट पर लिखकर रखा है। और आई, डॉक्टर्स भी तो कहते हैं कि बच्चे को धूप से गर्मी से बचा कर रखना चाहिए। रोहिणी, रोहिणी बेटा, मैं मानती हूँ कि बच्चों की परवरिश करने के तरीके पीढ़ी पर पीढ़ी बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ नुस्खे सदियों से चले आ रहे हैं, वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं होता। और देख, धूप कितनी अच्छी है, इससे इसके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। तू भी तो जानती है आजकल शहरों में इतनी अच्छी धूप बच्चों को कहाँ मिलती है। इसलिए कह रही हूँ बेटा, 5 मिनट के लिए उसे यहाँ ले आ, उसे अच्छा लगेगा। और रोहिणी, बच्चे को हर दफे कपड़े में इस तरह से लपेटे नहीं रखते, इसे बच्चा धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा। आई, मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने बच्चे की परवरिश अपने तरीके से करती थी, क्या तब आपको किसी ने टोका?